أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرك عشيرتك الأقربين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة يا فاطمة أنقذي نفسك من النار

इस्लाम एक आफाक़ी दीन है और आलमगीर दीन है आलमगीर मजहब हैं इसकी तलीमत दुनिया की तमाम मखलूक़ के लिए रहमत पर मबनी है ये दीन रहमत है इसकी तालीमत रहमत है बाईस रहमत और इस्लाम अल्लाह रब्रमी ने अपने तमाम बंदों के लिए अल्लाह ताला ने चुना है कुरान सब के लिए उदलनान्नास लोगों की हिदायत का ज़रिया है तमाम लोगों के लिए जो भी इसको सुनेगा पढ़ेगा उसको हिदायत मिलेगी हर एक हिदायत पर आ सकता है स़रात मस्तीम पर आकर अल्लाह की खुशनुदी हासिल करके अबदी ठिकाना जन्नत को पा सकता है जहन्नम से अपने आप को बचा सकता है और प्यारे नबी सल्लाम को अल्लाह ताल ने किसी ख़ास तबके के लिए किसी ख़ास कंट्री के लिए नहीं भेजा बल्कि तमाम आलम इस्लाम के लिए तमाम आलम इस आलम के तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा रहमत बनाकर भेजा खातमन नबीन बना कर भेजा उमा अरसल्ला ख़्या रहमत लालमीन तो इस मजहब ने जहाँ अपने मानने वालों के हकूक़ एक दूसरे पर मुतन किए हैं वहीं इन लोगों के हकूक़ भी बताएँ जो इस दिन को नहीं मानते जिन तक ये दिन नहीं पहुँचा इस्लाम ने अहिल ईमान को सिर्फ़ दीन व मजहब की बुनियाद पर अपने मुखालफन को दुश्मन समझने उनसे माशरती ताल्लुक़ को ख़त्म करने और उनके हकूक़ को नज़रअंदाज करने की इजाज़त नहीं दी बल्कि इस्लाम ने जो है उनके हक़ में खैरखा होने खैरख़ा बनने उन्हें नारे जहन्म से बचाने की फ़िक्र उन्हें जहन्म की आँख से नजात दिलाने की फ़िक्र करने और इसी तरह उनके हकूक़ का पासुलिहाज रखने की सख्त ताक़द की और तालीम दी है तो आइए इन हकूक़ को जो है मैं इस सीरीज़ में जो है आ, बयान करने की कोशिश करूँगा तो गैर मुस्लिमों का वो तो ग़ैर मुस्लिमों के जो हैं उनका बड़ा हक़ है उनका बड़ा मक़ाम है उनके हकूक़ हैं इस्लाम ने बताए हैं ग़ैर मुस्लिम देखिए बाैर मुस्लिम वो होंगे जो सिर्फ हमारे पड़ोसी होंगे बाज़ वो होंगे जो हमारे रिश्तेदार होंगे इसी तरह कुछ गैर मुस्लिम अजनबी होंगे हर एक के हकूक़ ज्लाम ने बताए सबसे बड़ा बुनियादी हक़ सिला रही है अगर ग़ैर मुस्लिम भाई हमारा रिश्तेदार हैं तो इस्लाम ने अहले ईमान रिश्तेदार के साथ जो है सिला रहमी करने का हुक्म तो दिया है उसके अलावा रिश्तेदारी का हक़ अदा करने का हुक्म अल्लाह अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इस्लाम इन तलीमत के ज़रिए हमें इस बात का भी हुक्म दिया है कि ग़ैर मुस्लिम रिश्तेदार भी अगर हैं तो उसके साथ भी सिला रहमी हमें करना है शरीय के मुसलमान रिश्तेदार हैं उसी के साथ नहीं बल्कि इस्लाम ने आगे बढ़कर कर ये हुक्म दिया कि अगर वह गैर मुस्लिम हमारा रिश्तेदार है गैर मुसलमान इस्लाम अभी कबूल नहीं किया दीन को उसने अभी नहीं अपनाया तब भी हम जो हैं उनके साथ सिला रहमी करें उनके हकूक़ अदा करने उनकी इज़्ज़त तक्रीम करने और इसी तरह उनके साथन सलूक करने का अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्हस ने अहिल इस्लाम को अहिल ईमान को हुक्म दिया है रिश्तेदारों के साथ सलाह रही का तखादा ये हैं जो ग़ैर मुसलमान होंगे कि हमें उन्हें उन्हें जो है दीन इस्लाम की दावत दें इस्लाम की दावत दें अल्लाह की वहदानियत को कबूल करने की तरफ उन्हें बुलाएँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम की रिसालत आपकी नबूत को तस्लीम करने की तरफ़ रगबत दिलाएँ अल्लाह तुर शा में कहा व अंदर अशिर तकराबीन जब यह आयत करीमा नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताली ने कहा कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएँ अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँ उन्हें जहन्नम की आग से डराएं अल्लाह के अजाब से डराएं अगर वह ईमान ना लाएं उसी हालत में मर जाएं तो उनका क्या अंजाम होगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले जो है ूमी तौर पर सारे लोगों को आपने दावत दी फिर खसूसी तौर पर प्यारे नबी नबीम ने अपने रिश्तेदारों को दावत दी और आपने नाम ले लेकर आपने पुकारा या फातिमा अपनी बेटी फ़ातिमा रौदी अल्लाह तह से कहा नफ्स की मिनन्नार के तुम अपने आप को जहन्नम की आँख से बचाओ कहाँ फ़ैनकूमिनल्लाश आ मिन अल्लाह अल्लाह के दरबार में मैं तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता हाँ अलबत्तः आपने कहा अलबा आप तमाम लोगों से मेरी रिश्तेदारी हैं मैं उसे तरताज़ा रखूँगा सिला रहमी बराबर जारी रखूँगा यह नहीं कि तुम गैर मुसलमान हो जब तक इस्लाम ना लाओगे तो मैं ये नहीं कि सिला रहमी नहीं करूँगा आपने कहा बराबर इस हक़ को मैं अदा करता रहूँगा इसी तरह गैर मुस्लिम वालदी के साथ वालदे भी अगर ग़ैर मुसलमान हैं इस्लाम अभी कबूल नहीं किए उनके साथ भी उसने सलूक करने का इस्लाम ने हुम दिया है उनके साथ नेक बर्ताव करने की तालीम दी है इस सिलसिले में असम इनतिया बकर की मशहूर रिवायत वो बयान करती हैं सुलहुदेबिया के मौके पर वह मदीना मनवर आई थीं उसके बाद उसी साल कहाँ अल्लाह के नबी सा आसून खिदमत में आकर कहाँ मेरी वालदा जो उस वक्त काफिर थीं वो कुफर को उन्होंने इख्तियार किया अबू बकर ने उनको छोड़ दिया था तो कहाँ मेरी वालिदा मेरे घर आई हैं वो अभी ईमान नहीं लाई थी कहते हैं मैंने अलैहि सल्ला से इस सिलसिले में दरियाफ़ किया और कहाँ मेरी माँ मेरे पास आई और मुझसे कुछ चाहती हैं इसके बारे में महदिससी ने कहा है इसकी शरह में कि वह सिला रही की मोहताज है बादज ने कहा कि वो कुछ माल वग़ैरह चाहती हैं तो बहर यहाँ सिला रहमी ज़्यादा जो है करीन कियाज था अच्छा बर्ताव उसने सलूक से उनके साथ पेश आना तो आपने पूछा क्या मैं उनके साथ सिला रहमी कर सकती हूँ तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ तुम अपनी माँ के साथ सिला रहमी कर सकती हूँ तो इस हदीस से पता चलता है कि मुसलमान वाल ग़ैर मुस्लिम जो है वालदेन अगर वो उसने सलूक के मोहताज हैं उनके साथ जो है उसने सलूक किया जाएगा और उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा इसी तरह गैर मुस्लिम पड़ोसी के साथ भी बेहतर बर्ताव का जो है हुक्म हमें दिया गया है अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस रज़ी अल्लाह तु बयान करते, है। मैंने करते हैं मैंने नबी करीम सलीम को ऐलान करते हुए सुना कि कबीले गतफ़ान के लोग मेरे दोस्त नहीं हैं मेरे दोस्त तो अल्लाह और नेक लोग हैं मुसलमान हैं ईमान वाले हैं लेकिन कहाँ उनसे मेरी रिश्तेदारी है जिसे मैं बाकी रखूँगा सही बुखारी की जो है रिवायत है इस तरह और कुछ नसूस हमें मिलते हैं कुछ अहदीस जिससे पता चलता है कि साहबाई कराम ने गैर मुस्लिम रिश्तेदारों के साथ जो है रहमी पर परमल किया उन्होंने सिला रहमी किया और इस तलीम को अपनाया उनके साथ बेहतर से बेहतर जो है तरीक़ा अपनाया और तारीख़ में बहुत सारे वाक़ हैं किर मुसलमों के साथ अच्छा सलूक करना बर्ताव करने से जो है कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया है अब्दुल्लबिन मुबारक मुझे रहमत के बारे में मशहूर वाक़ा हैं कि उनका एक पड़ोसी ग़ैर मुसलमान यहूदी था यहूदी जब भी वो गोश्त लाते घर में तो उस यहूदी को बतौर हदिया आप भेजा करते थे आखिर कई दिनों तक उन्होंने उसका अहतमाम किया कई साल भी शायद हो गए थे तो उस पड़ोसी ने एक मरतबा यहूदी पड़ोसी ने कहा कि तुम मेरे साथ ये एहसान का मामला क्यों करते हो तो आपने कहा कि हमारे इस्लाम ने ये तालीम दी है ये ताक़ीद की हैं कि हम चाहे ग़ैर मुसलमान ही क्यों ना हमारा पड़ोसी यहूदी हो ईसाई हो हिंदू हो किसी भी धर्म का मानने वाला इस्लाम ने जो है हमें अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया एहसान का मामला करने का हुक्म दिया है तो यहूदी ने जब सुना तो उसने इस्लाम को कबूल किया ऐसे कई वाकियात आज भी ज़रूरत इस बात की है जिस मुल्क हिंदुस्तान में हम रहते हैं यहाँ की अक्सर आबादी जो है गैर मुसलिम है हम उनके साथ अच्छा मामला करें ख़ास तौर से जो हमारे रिश्तेदार हैं ग़ैर मुसलमान हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करें हो सकता है हमारे हुसन सलूक हमारे अखलाक को देख कर वो इस्लाम कबूल करें इस्लाम की हकीकत है और इस्लाम की अदीम को भी ये है कि इस्लाम ने जो अखलाक अपनाने का हुक्म दिया है इस्लाम फैला भी है दुनिया में अखलाक की रोशनी में अखलाक से जो है इस्लाम फैला है तो हमें चाहिए ज़रूरत इस बात की है कि हम गैर मुसलिमों के जो हकूक़ इस्लाम ने बताए हैं खास सौ रहमी के सिलसिले में जो हमारे रिश्तेदार हों या पड़ोसी हों या अजनबी भी हों तो गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा बर्ताव करें अच्छे अच्छा अखलाक का मुदाहरा करें और बहुत सारे हकूक़ हैं इंशाअल्लाह अगले दरूस में वो सिलसिला सिलसिलावार जो है मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा दुआ रब्बुलमी से किल्ला तमाम तमाम को सही मानों में हर एक के हकूक समझते हुए अमल करने की उनको अदा करने की सदत न सरमाएँर मुसलिमों के साथ और ख़ास रिश्तेदारों के साथ गैर मुस्लिम रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करने की अल्लाह ताला हमें तोफ़ी तह फरमें इस सिलसिले में जो भी कोताही सुस्ती हमसे हो रही गफलत अल्लाह ताला उससे फरमाएं अल्लाह दरगदर फरमाएँ हक हो जो ज़िम्मेदारियाँ हम पर आयद की हैं उसको निभाने की सहादत तैन फ़रमाएँ आमीन सुमीन व मा अलना इलामबी अलमैकम वरमी वबरकू